अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब दोस्तों, लेकिन आप तब भी अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। शायद आपको अपने घरों में परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी और आप बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। चलिए गाइस, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहती थी कि आज कल ऐसे पाकिस्तान में मौसम कितना ख़राब हो रहे हैं, सुनामी, ऐसे सैलाब और ऐसी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो गाइस मैं इन्हीं के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके मुल्क में बारिश हो रही है तो प्लीज़ बारिशों की गंदी दुआ मत मांगा करें कि ऐसे तूफानी बारिश हो, वरना उनकी वजह से सैलाब आने का बहुत डर है। अब कराची का क्या हाल हुआ है, क्या आपको पता है क्यों हुआ है? पता नहीं किस वजह से उन्होंने शायद इतनी गंदी दुआएँ मांगी होंगी शायद, बट कराची का आपने हाल देखा होगा। तो प्लीज़ अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए ऐसी अलग तरह से गंदी दुआ मत मांगा करें। चलिए गाइस, अब हम ये छोड़ते हैं बात। अब मैं आपको मेरी वीडियो दिखाने वाली हूँ, शायद आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और शायद आप इनको सुनना भी पसंद। हेलो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत अच्छा है तो हम आपको बाहर घुमाने आए हैं। चले आज हम आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। ओके फ्रेंड, हम आपको बाहर का मौसम। हेलो फ्रेंड्स, आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है जिस वजह से मैं बाहर जा रही हूँ और मैं आपको भी घुमाऊंगी। आज मेरा घर और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हुआ है, तो चले मैं आपको अशर और बिलाल की वीडियो दिखाऊंगी। ये बिलाल है, ये अशर है। ओ माय गॉड, ये बहुत हालत हुई हुई, गंदा मौसम हुआ हुआ है, बहुत ऐसे हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये अब आप देखेंगे बिलाल की मस्ती। आपको भी तेज आने दिखाते हैं लेकिन आपको तो फोन में नहीं लग। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बिलाल का दूसरा फेस जो हमारे बिल्कुल साथ आएगा। बिलाल ये मुझे ये नहीं देखता, आपको पेड़ों का दिखा दे। ये मौसम बहुत गंदा हुआ, बारिश हो गई है, अभी मोटे मोटे कट्टों के साथ। और ये है हमारा प्यारा पार्क जिसमें हम खेलते रहते हैं और ये देखिए गाइस बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूबर दोस्तों, आज मैं आपको अपने भाई की ये कारस्तानियाँ दिखाऊंगी, जैसे कि बदतमीजियाँ, शरारतें, ये तजबात मैं आपको दिखाने वाली हूँ और मेरे बड़े भाई के फुटबॉल खेलते हुए तरीकों को। चले आप ये देखने के लिए तैयार होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चले आज हम इसको क्या अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। ये है जी बनाना, एक केला। इस एक केले की कीमत तुम क्या जानो पूरे पाकिस्तानियों? इस एक केले की कीमत तुम क्या जानो पूरे पाकिस्तानियों? इसकी कीमत पूछो बिलाल से। अभी हम इसको मैश करेंगे और बिलाल को खिलाएंगे ताकि वो पेट भर ले अपना। ओके, केला छील लिया है, अब हम इसको प्याले में रखेंगे और हम अपने प्यारे प्यारे हाथों से मैश करेंगे, क्योंकि मैंने भाई बहुत कोशिशें की हैं चम्मच से अच्छा सा मैश करने की, चम्मच से तो बिल्कुल भी मैश नहीं होता। हाँ, बस एक शर्त है इसके लिए मैश करने के लिए कि प्लीज़ अपने हाथों को धो लेना। लेकिन वैसे ये है कि जो माएँ होती हैं ना वो अपने हाथों को ज़ाहिर धो के ही अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, तो ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर भूल भुला जाएँ तो हाथों को धोना मत भूलना, ठीक है? ये देखें जनाब, ये हो गया है मैश हाथों के साथ फटाफट मिनटों में चिमटों में। तो अब हम इसको खिलाएँगे बिलाल को, ठीक है?
बच्चों को खिलाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बिलाल जो है ना एक तो छोटा है मतलब बच्चों में, मेरे बच्चों में, और दूसरा यह है कि बहुत तंग करता है खाने के मामले में। आई थिंक ये हर माँ की मसला होता है, लेकिन पहले बच्चों को फिर भी माँ मेहनत करके खिला देती हैं, जो दूसरा या तीसरा बच्चा होता है ना उसमें मेहनत नहीं की जाती। वो इसलिए क्योंकि माँ जो है ना पहले बच्चों को ही पाल पाल के थक जाती है, दूसरे तीसरे बच्चे के आके थोड़ी ढीली हो जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है आखिर औलाद तो है ना। चलें जी अब बिलाल को खिलाते हैं। ये जी बिलाल हैं और ये हमारा केला है और हम दरवाजे में बैठ के खिला रहे हैं देसी पाकिस्तानी स्टाइल में, वलायती शलायती स्टाइल हमें नहीं आते, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिलाल साहब बहुत मुश्किल से खाते हैं, तो इसीलिए हमने हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना भूलिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी लाल, ये यम्मी है ना, जल्दी से बताओ। बिलाल ऐसे करो, ऐसे करो। चलें जी चलें, आज मेरी इज्जत रख रहे हैं वीडियो के पीछे कि आराम से खा रहे हैं, तो चलें वीडियो बनाने के चक्करों में जो है ना मेरा बच्चा खा रहा है। चलें अब हम खिला लें, उसके बाद आपसे बाकी बातें करते हैं। ओके अशर, आ जाओ अपनी गाड़ी ले लो। अशर भैया आ रहे हैं गाड़ी लेने। ओए होई होई, ले लो ले लो ले लो भैया। ओए किसने मारा है? भैया ने, भैया दो, चलो आप दे दो, कोई बात नहीं, छोटा सा भाई है हमारा। किधर लंबे हो रहे हो? चलो हमारे घर में फसाद की जड़, मतलब बिलाल नहीं ये गाड़ी, क्योंकि ये गाड़ी है अशर की और बिलाल इस पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ये अब रिमोट लेके बैठा हुआ है और इसके अंदर से जब लाइट निकलती है तो बिलाल क्या कहते हैं, बिलाल वाओ। ये भी अच्छा, दे दो बेटा, दे दो, ये लो दे दो, दे दो भाई मेरे बेटे को, दे दिया करो, थोड़ी देर इसमें कर लिया, दे दो ना यार, दे दो यार, वो लेता है। अच्छा फिर आप दे दो ना, अभी वो छोटा है ना, दे दो भाई छोटे से बच्चे को दे दो। ये जी यही लंबे हो गए हैं, यही लंबे होके खेल रहे हैं। अच्छा